बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना 24 अक्टूबर की देर रात करीब 2 बजे ओडिशा के तट से टकराएगा। इसका असर पश्चिम बंगाल पर भी होगा। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के मुताबिक तूफान दाना का लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे चलेगा। दाना के सर से भद्रक केंद्रपाड़ा सहित कुछ स्थानों पर 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों का किया गया शिफ्ट। एनडीआरएफ और ओडीआरएफ ने संभाल लिया मोर्चा। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट से करीब 16 घंटे तक नहीं उड़ेगा कोई विमान। करीब 300 से ज्यादा फ्लाइट्स को किया गया कैंसिल। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से 552 ट्रेनें रद्द। साउथ ईस्ट रेलवे ने 150, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 198, ईस्टर्न रेलवे ने 190 और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनें रद्द की। पुरी के जगन्नाथ मंदिर परिसर में सभी अस्थायी टेंट हटा दिए गए हैं और छतों पर रेत तक बोरियों को रख दिया गया। कोणार्क मंदिर को भी 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। तूफान से प्रभावित 14 जिलों में टूरिज्म पार्क के साथ ओडिशा हाईकोर्ट को भी 25 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाई लेवल मीटिंग करके तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने तूफान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रेत पर बनाई शानदार कलाकृति। देश की राजधानी दिल्ली में गहराया प्रदूषण का संकट। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 के पार। आनंद विहार और जनकपुरी इलाके में एक्यूआई 400 के पार। दिल्ली का औसत एक्यूआई 350 से ज्यादा। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह देखिए स्मॉग की परत। विजिबिलिटी बहुत कम। प्रदूषण को देखते हुए सुबह और शाम के वक्त बाहर जाने से बचने की सलाह। दिल और सांस के मरीज रखें विशेष ख्याल। दिल्ली में प्रदूषण की मार। एक क्यूआई गिरकर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। लोधी रोड से सामने निकलकर आई तस्वीरें। दिल्ली की हवा में नहीं देखा ग्रैब 2 लागू होने का असर। आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ने की संभावना। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एलजी वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर चिट्ठी। कहा धूल और गाड़ियों से निकले प्रदूषण को नियंत्रण में करने के दिशा निर्देश तैयार। दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक और कदम। बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एनडीएमसी ने पार्किंग शुल्क दोगुना किया। दिल्ली के कालिंदी कुंज क्षेत्र में यमुना नदी में तैर रहा जहरीला झाग। ड्रोन से विजुअल्स निकलकर सामने आया। गाजियाबाद में भी देखिए स्मोक की मोटी चादर। लाइट जलाकर वाहन चलाते नजर आए लोग। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी कर दी 7 उम्मीदवारों की लिस्ट। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को बनाया उम्मीदवार। करहल से अनुजेश यादव को दिया है टिकट। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर पर जताया भरोसा। बीजेपी ने खैर सीट से सुरेंद्र दलेर और फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया। बीजेपी ने कटहरी से धर्मराज निषाद, मझवा से सुचिमिस्ता मौर्य को बनाया उम्मीदवार। आरएलडी के खाते में जा सकती है मीरापुर सीट। कानपुर की सीसामाऊ सीट पर मंथन लगातार जारी। झारखंड के बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन ने दाखिल कर दिया नामांकन पत्र। जेएमएम के कई बड़े नेता शामिल हुए। बरहेट सीट से विधायक हैं हेमंत सोरेन। साल 2014 से लगातार जीत रहे हैं। जमशेदपुर के घटसीला सीट से रामदास सोरेन ने भर दिया है पर्चा।
मैनपुर की शिक्षा मऊ विधानसभा सीट से उपचुनाव में बीएसपी प्रत्याशी के रूप में 35 साल तक टीचर रहे वीरेंद्र शुक्ला ने नामांकन किया। मिर्जापुर की मझुआ सीट से उपचुनाव के लिए बीएसपी प्रत्याशी दीपक तिवारी दीपू ने नामांकन किया। मिर्जापुर की मझुआ विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ज्योति बिंद ने किया नामांकन। पर्चा भरने के बाद बोले, जीत के बाद विकास हमारी प्राथमिकता। पलामू के बांकी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रिक्शा चालक विनय दांगी ने भर दिया पर्चा। उगारू की चंदन कियारी विधानसभा से इंडिया गठबंधन के उमाकांत रजक ने दाखिल कर दिया नामांकन। जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर रविंद्र महतो ने किया पर्चा दाखिल। खैर विधानसभा से सुरेंद्र द्रेण को बनाया गया बीजेपी का टिकट का उम्मीदवार। गिरिडीह के गांडे विधानसभा सीट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भर दिया पर्चा। राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद भी है मौजूद। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली से उन्होंने कर दिया नामांकन। पर्चा भरने के बाद बोले, आदित्य भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया हो गई शुरू। महाराष्ट्र चुनाव में माहिम सीट से चुनावी समर में बिगुल फूकने को तैयार है राज ठाकरे के बेटे अमित। वायनाड सीट से बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास ने भर दिया पर्चा। का प्रियंका के रोड शो के बहकावे में ना आए। वायनाड से एलडीएफ उम्मीदवार सत्यन मोकेरी ने भी भर दिया पर्चा। का नामांकन दाखिल किया। प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति के पास 78 करोड़ की संपत्ति। वायनाड में पर्चा भरने के बाद एफिडेविट में चल अचल संपत्ति का जिक्र किया। प्रियंका ने हलफनामे में खुद की संपत्ति बताई 12 करोड़। साथ ही बताया कि उन पर है 15 लाख से ज्यादा का खर्च। प्रियंका गांधी वाड्रा पर बीजेपी का करारा प्रहार। कहा, शिमला में भी इनका एक बड़ा घर है। रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो। प्रियंका वाड्रा के नामांकन पर बीजेपी का आक्रमण। पर्चा दाखिल के वक्त खड़गे के बाहर होने पर उठाया सवाल। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, बिहार में बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री चाचा को हाईजैक कर लिया है। लेकिन हमारे चाचा जो है मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला तलवा। तो आप लोग सब लोग देख रहे, बीजेपी जो है लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। तेजस्वी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी वाले बेईमान है, इनसे बचकर रहना है। ये भाजपा के लोग जो है बड़े बेईमान लोग हैं भाई। जनता इन लोगों का सरकार नहीं लाती है तो सोचते हैं कि विधायकों का खरीद ले। बीजेपी ने तेजस्वी के बयान पर किया पलटवार। कहा, अपनी पार्टी और परिवार को हाईजैक करने वाले तेजस्वी यादव बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने तेजस्वी पर लगाया लालू को हाईजैक करने का आरोप। कहा, तेजस्वी ने लालू यादव और पार्टी को हाईजैक किया। बिहार के मुसलमानों को लेकर बोले नीरज कुमार। कहा, मुसलमान से हमारा कोई विरोध नहीं है, हम हिंदू एकजुटता की बात कर रहे हैं। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू ने किया हमला। खालिद अनवर ने कहा, नीतीश कुमार को हाईजैक नहीं कर सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत के बयान पर भड़की जेडीयू। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा पर लगाया संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए जन स्वराज पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष
मनोज भारती, पूर्व सांसद मोहनजीरा हसन और प्रशांत किशोर करेंगे प्रचार। पूरे टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म, भारत की पहली पारी का स्कोर एक विकेट खोकर 16 रन। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बिना खाता खोले ही लौट गए पवेलियन, जायसवाल और शुभमन क्रीज पर डटे। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर चुनी थी बल्लेबाजी, न्यूजीलैंड की पहली पारी में 259 रन पर समाप्त। भारत के फिरकी गेंदबाज ने दिखाया जलवा, वॉशिंगटन सुंदर ने झड़के 7 विकेट। रविचंद्रन अश्विन के खाते में 3 विकेट, स्पिनर्स की झोली में न्यूजीलैंड के सारे विकेट्स। मध्य प्रदेश के रायसेन में बुजुर्ग ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, 2 लाख रुपए के जेवरात से भरा बैग लौटा दिया। कोयम्बटूर के पुलिस कांस्टेबल ने सफाई कर्मचारियों को दिवाली पर बांटे नए कपड़े और मिठाइयां, गिफ्ट पाकर खुश नजर आए कर्मचारी। अरुणाचल प्रदेश में वॉर मेमोरियल का शुभारंभ, मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ मंत्री कमलेश पासवान भी मौजूद रहे। पटना में मलेशिया रहने वाले सिख समुदाय ने विश्व शांति के लिए निकाली सद्भावना यात्रा। चेन्नई में स्वतंत्रता सेनानी को तमिलनाडु के एम ए सुब्रमण्यम ने किया नमन। हेल्थ सेक्टर में आईआईटी कानपुर में बड़ा आविष्कार, आईआईटी कानपुर ने तैयार किया टीबी चेक करने का पोर्टेबल डिवाइस। एक क्विंटल की मशीन का काम करेगा 4 किलो का डिवाइस। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए। मानव बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनेंगे फूड प्लाजा, यूपीडी ने शुरू की तैयारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुलवात्मा विलेज अग्निकांड को लेकर आगे आए लोग।